हे गाइस, तो क्या हाल है। आज आपके लिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट है। 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट है, तो आज से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म जो 12th क्लास का जो ज्यादा सिलेबस है, कौन कवर करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट है, दो पार्ट में स्टडी होती है। एक के अंदर आता है, एक होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट जो है इलेक्ट्रो डायनामिक। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, होता है इलेक्ट्रो डायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करते हैं हम? चार्ज एट रेस्ट, यहां पे चार्ज इज इन मोशन। तो जब चार्ज रेस्ट में होंगे तो ऐसे चार्ज की स्टडी किसके अंदर आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगी। ठीक है, और जब चार्ज मोशन में होंगे तो तब ये जो चार्ज मोशन में होंगे तब हम पढ़ेंगे उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर और क्या पढ़ते हैं हम? पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और एसी ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और कंडक्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ना है हमें। तो चलिए आज के आज शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, शुरू करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा? चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे होंगे तो इस टाइप की स्टडी किसके अंदर आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये तो बुक कहती है, और इट इज इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इट इज इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन लिखा है, इसको समझते क्या है। द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। समझते हैं इसको क्या होता है। एवरी सब्सटेंस मेड अप ऑफ किससे मिलकर बना होता है? एटम से। एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिकॉज ऑफ देयर मासेस उनके बीच में क्या लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। क्या लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उनके बीच में। बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैविंग मासेस, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। इसके अलावा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स हो जाती है, ठीक है, उस फोर्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो ये एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हुई है जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स आती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास मास है तो उनके बीच में क्या लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अलावा एक फोर्स और लगती है उनके बीच में, वो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक उस एक्स्ट्रा फोर्स को बढ़ा देती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरे लिखा मैंने इट इज इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यहां समझते हैं, इंट्रेंसिक मीन्स वी कांट रिसर्च ऑन इट, ठीक है, हम रिसर्च नहीं कर सकते इसमें, मीन्स इंट्रेंसिक मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे कि हमने पढ़ा था मास, मास क्या थी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी। अब मास के बारे में कोई हमसे पूछे मास क्या, मास मास इसी सिमिलरली यहाँ पे भी जो ये है चार्ज क्या है, चार्ज चार्ज है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने सब सभी ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो वुलन क्लॉथ हम जब उतारते हैं तो एक स्पार्क नहीं रहता, दैट इज नथिंग बट चार्ज, वो चार्ज है, ठीक है, तो हम इस पर रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है, तो वी कांट रिसर्च ऑन इट। हाँ तो समझ में आया, इलेक्ट्रिक चार्ज हम देखते हैं और देखते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम, ठीक है, यूनिट क्या होगी कूलम, जिसको हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इतना लिख लिया आपने, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, कर दो रफ। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, सबको पता है चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, और समझते हैं, ठीक है, ये भी आपको सभी को पता होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो क्या रिपेल करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अच्छे समझते हैं इसके पीछे की थोड़ी आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ, क्या था क्या हुआ क्या था एक्चुअल में, कि कहां से आए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकल आए कहां से। तो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि एक क्या लिया, ग्लास रॉड ली और उसको रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ, दूसरी ग्लास रॉड ली उसको भी रब किया गया किसके साथ, सिल्क के साथ, अब उन दोनों को साथ में रखा गया, जब उन दोनों को साथ में रखा गया तो ये क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी, क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी, ठीक है। अब एक इबोनाइट दो एक इबोनाइट ली, इबोनाइट रॉड ली उसको रब किया किसके साथ, फर के साथ, दूसरी इबोनाइट रॉड ली उसको भी रब किया किसके साथ, फर के साथ, अब जब उन दोनों को साथ में रखा तो देखा गया वे भी क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी, वेद क्या कर रही थी, वे भी रिपेल कर रही थी। अब एक ग्लास रॉड ली रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ, और दूसरी रॉड ली कौन सी, एबोनाइट रॉड, रब की फर के साथ, अब जब उन दोनों को साथ में रखा तो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, वे क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। अब यहां से फिर अमेरिकन साइंटिस्ट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसका उनका नाम था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने बोल दिया कि जो
ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है कि उस पे जो चार्ज है उसका उन्होंने नाम दे दिया क्या, वाइटरस, वाइटरस ठीक है। और एबोनाइट जो रॉड है किस पे चार्ज आ गया उसका नाम दिया रेजिनस। अब ठीक है, फिर उन्होंने बोल दिया कि जो ग्लास रॉड पे व्हाइट और इसको बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, और जो रेजिनस जो चार्ज है इसको बोल दिया उन्होंने नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इन्होंने बोल दिया इसको नेगेटिव। यहां से दो चार्ज हमारे पास निकल गया है। ठीक है, तो ये था थोड़ी बहुत चार्ज की और हिस्ट्री बताई मैंने कहां से आए। ठीक है, तो ये दो टाइप के चार्ज होते हैं, होता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लाइक चार्ज रिपल एच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इतना समझ में आया, मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, जिसको लिखना है लिखना। अब एक लाइन और लिखो, चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास। ठीक है, चार्ज ऑलवेज किसके साथ आता है, मास के साथ आता है। ठीक है भाई, चार्ज है क्या, चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से है, एटम्स क्या है, एटम्स क्या है, एटम्स क्या है, मैटर के अंदर क्या होता है, मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैविंग ए मासेस। ठीक है, तो जब दो रॉड को एक साथ रब किया जाएगा तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन या तो किसी ने लिए या किसी ने दिए। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आया उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो जिसके जिसके पास नेगेटिव चार्ज आता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास, ये लाइन होगी। अब हमने देखा, मैंने एक चीज बोली आपको, जो हमारे पास चार्ज है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी बोली है, और जो मास है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, चार्ज मास, चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ठीक है, बट मास ऑलवेज, द मास ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस, मासेस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमारे पास मास है, इंडिविजुअल पार्टिकल बिखरे पड़े हैं, उनको अगर सम करेंगे तो वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और जो चार्ज क्या हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी और जीरो भी हो सकता है इनका सम। अब मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, मास किस पे डिपेंड करता है भाई, स्पीड पे डिपेंड करता है। कैसे, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या है, रेस्ट मास है, ये क्या है, रेस्ट मास है। ठीक है, मास किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, यहां से फॉर्मूले से देख सकते हैं। ठीक है, अगर जो वी ज्यादा हो जाए, वी की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो समथिंग ये कुछ आएगा, इसमें से माइनस करेंगे समथिंग कुछ बचेगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मास इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, बट जनरली डे टू डे लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मास स्पीड के साथ चेंज हो, क्योंकि हमारी स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये कितनी होती है, 10^8, और हमारी स्पीड कितनी होती है, 50, 100, 200, 500। ठीक है, तो उसके कंपेयर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मास जनरल लाइफ में डिपेंड नहीं करता। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना सा होता है हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इतू सा होता है, कितना इतू सा, अगर तो उस पर हल्का सा ही फोर्स लगा जाए, चमाट मार दिया जाए इलेक्ट्रॉन पे, तो कितनी स्पीड, कितनी हल्की सी फोर्स लगा दे तो कितनी स्पीड से अवॉर्ड हो जाएगा, 10^6, 10^8 की स्पीड पहुंच जाता है। तो जब ये क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे, कुछ बचेगा, जब इसको डिवाइड करते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा मिस। तो यहां से क्या होगा, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, ठीक है, एट वेरी हाई स्पीड, ये जब इसके आसपास होगी। ठीक है, अब बट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बेसिक डिफरेंस था, ठीक है, चार्ज एंड मास में, समझ में आया। तो इसको मैं रफ कर दूं, चलो मैं रफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें लिखो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ओनली एंड ओनली इट कैन ट्रांसफर्ड। ठीक है, समझ में आए, ना तो चार्ज को बनाया जा सकता है, ना उसको खत्म बनाया जा सकता है, ओनली ओनली इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, चार्ज क्या होगा आइसोलेटेड सिस्टम का, कॉन्स्टेंट होगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। एक मैंने सिस्टम लिया, इसके अंदर तीन बॉडी रख दी, मान लिया कि इस पे चार्ज है कितना, 5C है, 5 कूलाम है, इस पे कितना है, 3 कूलाम है, ठीक है, और इस पे है माइनस के 2 कूलाम। मैंने इसके साथ कुछ तो किया, मैंने इसके साथ कुछ तो किया, हिलाया डुलाया घुमाया, इस पे जब देखा बाद में, इसको रखा, तो इस बॉडी पे चार्ज आ गया 3 गुलाम, इस बॉडी पे चार्ज आ गया 4 गुलाम, तो इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा। तो यहां से देखते हैं, चार्ज और चार्ज ऑफ एन आइसोलेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब चार्ज क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से इसको मान लिया मैंने Q1 मान लेता हूं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको मान लेता हूं Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। Q1 की वैल्यू 5C होगी और Q2 की वैल्यू 3C होगी और ये माइनस के 2C, यहां से 3C प्लस 4C और इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ये कितना हो जाएगा 8 और माइनस के 2C यहां से आ जाएगा 6C, यहां से कितना होगा 7C और प्लस के Q3 डैश, यहां से Q3 डैश की वैल्यू आएगी 6C माइनस के 7C विच इज इक्वल टू 1 कूलाम, कितना चार्ज आएगा इस पे, 1 कूलाम का चार्ज आएगा। ठीक है, देख लेते हैं 5C और कितना 8C माइनस इनटू 6C और यहां से इसको 4C 7C और माइनस के 1 कितना 6 कूलाम। तो नेट चार्ज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट